जो भी हस्तिनापुर के समक्ष शस्त्र उठाएगा उसे उसका वध करना ही होगा। आप यथार्थ कह रहे हैं महामहिम, इस युद्ध में आपके सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं हो रहा अपितु आपकी निर्बलता का प्रदर्शन हो रहा है। यदि आप वास्तव में समर्थ होते तो अपने पौत्र और प्रपोत्रों के प्राण लेने के स्थान पर अपने प्राणों का त्याग कर देते। मैं अपने धर्म से बंधा हूं वासुदेव। धर्म तो मुक्ति देता है, ये कैसा धर्म है जो आपको बांध रहा है? अवश्य ये कोई धर्म है, कोई बात है, कोई बेड़ी है। मेरे धर्म पर प्रश्न मत कीजिए वासुदेव। मैंने जीवन में एक क्षण के लिए भी अधर्म नहीं किया है। अपने पिता को दिए हुए वचन का निर्वाह करते हुए वही सब क्या जो आवश्यक था। आप अपने व्यक्तिगत धर्म के लिए समग्र संसार को संकट में डाल रहे हैं। इसे मैं चारित्र की शक्ति नहीं कहता। चारित्र तो वो होता है जो प्रति क्षण दूसरों के कल्याण का विचार करता है। आपका चारित्र भी मिथ्या है और आपका धर्म भी मिथ्या है। आप मर्यादा भंग कर रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, किंतु किसी दूसरे के धर्म को मिथ्या कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। मेरा धर्म सत्य है और इसीलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं आपको पराजित कर सकता हूं। किसी क्षण आपको पराजित कर सकता हूं महामहिम भीष्म। मेरे क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए। कोई धातु नहीं जो अग्नि में तप कर पिघल ना जाए और ऐसा कोई प्रण, कोई श्राप, कोई आशीर्वाद नहीं जिसे मैं मिथ्या ना कर सकूं। आप सृष्टि के सुख और नियति की योजनाओं में बाधा बनकर खड़े। अब यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं अवश्य आपका वध कर दूंगा। किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं, इस रथ के पहिए से भी मैं आपका वध कर सकता हूं।
मेरा तीर आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा वासुदेव? मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे।